नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त बहुत ही खुशी की बात यह है कि बालाशोर के गांधी स्मृति के करीब होटल मा इंटरनेशनल कैंपस 2 के नाम से एक नया तरीके से, नया रूप और ढंग से उसकी उद्घाटन की गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस होटल में, क्योंकि पहला ये होटल जो है आप लोग कलिंगा होटल के नाम से जाना जाता था, और इस वक्त वो कलिंगा होटल बंद होने के बाद उसकी तमाम तर विवाद भी आपने तर्जुमान में देखा था, लेकिन इस वक्त म्यूनिसपालिटी के सामने से जो है वो लीज लेकर अब होटल माय इंटरनेशनल कैंपस 2 जो है इसको उद्घाटन की गई है। बहुत जबरदस्त तरीके से उसके जो है तमाम तर जो है रूम्स हैं, तमाम तर कॉन्फ्रेंस हॉल है, तमाम बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंतजाम है। और आइए सीधे ले चलते हैं और तमाम तर रिपोर्ट वहां के दिखाते हैं, और इस ओपनिंग के दरमियान जो मेहमान आए हैं उनकी भी बातें आपको सुनाते हैं। सीधे ले चलते हैं आपको होटल माय इंटरनेशनल कैंपस 2। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम पहुंचे हैं बालाशोर के गांधी स्मृति के करीब, जिस तरह आप मशहूर था कलिंगा होटल के नाम से, लेकिन इस वक्त खुशी की बात यह है कि ये जो है एक अलग सा जो है ओपनिंग हुआ है आज होटल माय इंटरनेशनल 2, मतलब जो है उनका जो एक स्टेशन चौक पे है, और ये जो है दूसरा जो है एक यूनिट खुला है माय इंटरनेशनल 2 यूनिट जो है यहाँ पे कलिंगा होटल से तब्दील होकर माय इंटरनेशनल होटल के जो है ओपनिंग किया गया है। और आइए इस वक्त हमारे साथ देखिए तमाम बालाशोर के माने जाने चेहरे हैं, बालाशोर के साबिक म्यूनिसपालिटी चेयरपर्सन मोहतरमा भी है, और डायरेक्ट हम भाई से बात करेंगे जो इसके ओनर है, उनका नाम जानेंगे। सर ना करो राजेश कुमार पुंडा। सर कौन रोहित जी कहीं के आज ही बहुत खुशी रहो, मैंने आप लोगों को ढेर सारा बधाई, आप लोग माय इंटरनेशनल ना आज ही ओपनिंग होचु कौन रही वो फैसिलिटी ना देखों दो यहाँ हमरो माय इंटरनेशनल होटल जो कि फर्स्ट स्टेशन छकरे उठे हो ची सेटा 7-8 वर्ष चलने हैं हलों, एटा हमरो सेकंड कैंपस बोली ना दीचु, एटा बालेश्वर म्युनिसिपैलिटी गेस्ट हाउस सेटा थिला तर अतीत होन थिला, हमें ताको लीज रे नेकी करलु। आमर दुई मास हेलाने आम तो आरंभ कर सारे कि पूर्ण मात्र कार्यक्रम हो नाला, आज दिन में आम पूर्ण मात्र कार्यक्रम कलु, मैंने बहुत मंडप अच्छी व्रत घर पर जगह अच्छी, कन्फरेन्स हल अच्छी, सुट रूम अच्छी, रॉयल डिलक्स एसी डिलक्स रूम अच्छी, आधुनिक लोक मान जहाँ चाहिदा दरकार जहाँ सुविधा दरकार सब आम पाखे अवेलेबल अच्छी। मैंने आपको ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कौन रही ना, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम आम बर्तमान स्टार्ट करूँ तथापि तो खाली आम वेबसाइट माध्यम रे बुकिंग नहीं छू, आउ बाकी बुकिंग नहीं नो, एबे नो छू आस्ते आस्ते करिवु मॉडिफाई करी करिवु। केते माने कम रेट रे लोक को माने हमर एक्चुअली आ एसी नॉन एसी रॉयल डिलक्स डिलक्स सब प्रकार रूम अछि, हमर साधारण लोक पर आमे रखि छू 600 प्लस जीएसटी, तापुर को अछि 1500 प्लस जीएसटी, 2500 प्लस जीएसटी, सब प्रकार सब समस्त लोक पर सब प्रकार सुविधा मिलला भले आमे एटा करछु। हमें देख लो भाई कॉन्फ्रेंस हॉल, जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हॉल भी अच्छी, और नजर इस वक्त आप देख सकते हैं कि नज़ारा कि तमाम लग्जरियस रूम और हर तरह के जो है एसी नॉन एसी रूम भी है और तमाम तरह का सुविधाएं, जिस तरह आपको बालाश्वर में एक माना जाना अगर होटल कह लिया जाए माय इंटरनेशनल स्टेशन चौक पे अपना सर्विस दे रहा था, तो अब ये दूसरा यूनिट उसका खुला है यहाँ पे गांधी स्मृति के करीब में। ज्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं उनको मेरी गुजारिश है कि एक बार माय इंटरनेशनल होटल को आए और कैंपस 2 में आए कि उसका जो है फायदा उठाए। भाई आप लोगों को पचरे बजे कन्फ्रेंस हॉल अच्छी तार केमिति रेट रखी कौन कहते देखो कन्फ्रेंस हॉल आम आप देख 50 लोक पाखु आरंभ कर 200 पर्यटन आम स्ट्रेंथ से देखी मेनू देखा तो मीटिंग देखी मीटिंग आवर्स देखी आम से अनुजाई जहाँ फाइनाल करूँ सेमती किसी आम रेट है ना, जेहतु नुआ है तो फाइनाल किसी है ना, आस्ते आस्ते हम माने कम रेट तो समस्त कहली फास्ट रू कह सब वर्ग लोक मैंने सुविधा पाई पारे। बहुत बड़ी बात है, हर तबके के लोग जो है इसमें फायदा उठा सकेंगे। हमारे साथ म्युनिसिपैलिटी रमना के साबिक एमएलए मौजूद है हमारे साथ, सुदर्शन सर है, सुदर्शन सर से पूछेंगे सर केमिति देखुचंती आज खुशी रो मोर भाव रे आज खुशी लागुची जे मोर बंधु वंशीधर पंडा बहुत दिन रो तांकर अक्लांत परिश्रम पर गुटे मा इंटरनेशनल टूर करथले, तो अतीत रे एटा जो होटल कलिंग थिला तो आज इंटरनेशनल माय इंटरनेशनल 2 रे परिणत होई छी सी नहींचंती, तो ए क्षेत्र रे जिला आमर बालेश्वर जिला प्रशासन म्युनिसिपैलिटी रो सहाय्य सहयोग अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट गाइडलाइन से रही तो तांकर पुत्र मध्य सी मध्य समस्त दायित्व नौ राजेश जे कि आम पिला भली सी पुआ भली से दायित्व नौ वंशीधर पंडा मोर बंधु
तो निश्चित भाव में आशा करी ये जो टेसन छक्र माँ इंटरनेशनल कैंपस टू ये निश्चित भाव में बालेश्वर जिलार एक नंबर अग्रणी होटेल परिचित हे कहीं समस्त प्रकार सुविधा सुजोग अच्छी आ सब मान्यगण्य व्यक्ति को सब डाकी गेट टुगेदर कर बंधु मिलन बहुत बड़ी बात है कि गेट टुगेदर आज रखा गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हर तरह की जो है आप देख सकते हैं कि लग्जरी रूम है बाकायदा हर तरह का जो है फैसिलिटीज रखा गया है और जिस तरह स्टेशन चौक पे आप अगर आप गए होंगे माँ इंटरनेशनल का जो कैंपस देखे रहेंगे तो जबरदस्त माँ इंटरनेशनल सर्विस दे रहा था और इस वक्त भी यहाँ पर जो दूसरा कैंपस उसका खिला तो यहाँ पर भी जो है जबरदस्त उसका सर्विस रहेगा उम्मीद किया जाता है जिस तरह सुदर्शन जेना जी कह रहे थे। तो अब आइए हमारे साथ मैडम बालेश्वर की साबिक चेयरपर्सन मैडम है उनसे पूछेंगे मैडम केमिति देखुचंदी आज खुशी रो मुहूर्त कोन कोन बहुत बहुत बढ़िया सजाई चंदी बहुत भलो आई छी बहुत तार रिनोवेशन आ जो मु बुली के देखली बहुत सुंदर करी करचंदी निहाती माने लोक आसले खुशी हे कि जिवे आ बजट भी तांकर ठीक रेंज रे रही छी आ मु आशा कर छी तांकर आउरी आगु को डेवलपमेंट होबो है चलो जगन्नाथ का आशीर्वाद। नजीर इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ बालेश्वर के साबिक एमपी रविंद्र कुमार जेना और बीजेडी के जिला प्रेसिडेंट रविंद्र कुमार जेना जी हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त आप जिस तरह नजारा देख रहे थे होटल माय इंटरनेशनल का कैंपस टू का जो है उद्घाटन किया गया है तो ये जबरदस्त उद्घाटन हुआ है तो उस वक्त आए हैं हमारे रविंद्र कुमार सर जो है उनसे पूछेंगे सर ये खुशी का मौका है बालेश्वर होटल कलिंगा के नाम से मशहूर है यहाँ पे अब इस वक्त माय इंटरनेशनल अपने इसमें लिया है और बड़े अच्छे ढंग से ओपनिंग किया क्या कहेंगे सर। मैं तो सर्वप्रथम पंडा बाबू को धन्यवाद दूंगा और ये भगवान का यहाँ पास से प्रार्थना करूंगा का ये जो संस्था पंडा बाबू ने किया है माँ इंटरनेशनल होटल कैंपस टू का नाम पे ये अच्छा चले भगवान का आशीर्वाद रहे और बालेश्वर में हम सबके लिए एक बड़ी खुशी खबर है। आप देख सकते हैं मॉल इतना खुश है सब लोग एंजॉय कर रहा है क्योंकि एक सेंट्रली लोकेटेड प्रॉपर्टी है पंडा बाबू जैसे आदमी है उन्होंने जिस चीज में हाथ लगाया उनको सक्सेस किया तो हम सबका उम्मीद रहेगा ये भी सक्सेस करे उनका बिजनेस अच्छा चले और हम लोग सब बालेश्वर वासी उसमें खुश हैं। हमारे साथ कुनु भाई है कुनु भाई कौन कहीं पे कितने खुशी अनुभव करते हैं। निश्चित भाव रे हमें बहुत खुशी अनुभव करते जय बालेश्वर म्युनिसिपैलिटी रो जो अतिथि भवन आज एक नया रूप नहीं बालेश्वर वासी को जो सेवा दवा मनोवृत्ति आज चल हमें बहुत खुशी और वाकई सब यहाँ पे जितने भी बड़े लोग आए हैं सब किस चेहरे में खुशी है और खासकर पंडा सर जो है यहाँ के ओनर हैं और मालिक हैं और उनके बेटे की निगरानी में जो है राजेश पंडा जी के निगरानी में ये चलने वाला है उसी के मौके पे सब बधाई दे रहे हैं और खासकर ये भाई हमारे जो है मतलब ओनर है और उनकी जो है निगरानी रहेगी हमेशा और उनका जो कहना है कि यहाँ पे हर तबके के लोग आ सकते हैं अपनी सुविधा उठा सकते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप एक बार अगर बालेश्वर आते हैं मैं क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं कि मेरे हिंदुस्तान भर से जो आप देखते हैं मेरे चैनल को अगर आप बालेश्वर के स्टेशन में उतरते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है माय इंटरनेशनल से रब्ता करें और बाकायदा तौर पर आपको तमाम तरह फैसिलिटीज मिलने वाला है। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालेश्वर ओडिशा।